सनी, पता है बचपन में नानी क्या बोलती थी? क्या? संयम, चेहरे पे थोड़ा मुल्तानी मिट्टी लगा ले, टैन निकल जाएगा। सिर पे नारियल का तेल लगा, बाल झाड़ू की तरह हो गए। भाई ये सब पुरानी बातें, आज के डॉक्टर कहते हैं बिना सनस्क्रीन लगाया हुआ घर से बाहर मत निकलो और बालों के लिए मिनोक्सिडिल लगाना बिल्कुल भी मत भूलो। अच्छा तो बस नानी ऐसे यूं ही टाइम पास करती थी क्या? इमोशनल मत हो जा यार। चल एक काम करते हैं, नानी के नुस्खे और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस को मिला के कुछ बनाते। शार्क्स इंट्रोड्यूसिंग घर सोप। मेरा नाम सैयम है, मैं 21 साल का हूँ। और मेरा नाम सनी जैन, 28 साल का, पूना से, और हम है को-फाउंडर्स ऑफ घर सोप। शार्क्स घर सोप एक ऐसा यूनिक स्किन केयर ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स में एक्टिव केमिकल्स जैसे सैलिसिलिक एसिड, नायासिनामाइड और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट जैसे हल्दी केसर का यूनिक फ्यूजन है। हमारे पास स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर जैसे काफी प्रोडक्ट्स हैं जो आप हमारे वेबसाइट और बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप खरीद सकते हो। शार्क्स, हमारा विजन ये है कि हम प्राचीन आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का फ्यूजन को पूरी दुनिया तक लेके जाए। और हमारी आज के 60 लाख पर 2% ऑफ इक्विटी। आप दोनों क्या भाई हो? भाई। तो आप दोनों कैसे मिले? क्या बात कर रहे हैं यार? सर एक्चुअली फर्स्ट इनकी जो मॉम थी और इनकी मॉम की डेथ अर्ली हो गई थी। फिर जो इनके डैड, जो मेरे भी डैड थे, फिर हमारे डैड, इनके डैड ने मेरी मॉम से शादी की थी। फिर 5-6 साल के बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। फिर मेरी मॉम ने फिर से और एक जो मेरे करंट डैड है, स्टेप डैड, उनका फिर से हुआ था। और फिर मैं वहाँ से ग्रोन अप हुआ। और मेरे को मेरे अंकल आंट जो थे, जो मेरे डैड के बड़े भाई, वो लोग ने मेरे को बड़े किया। ओके। अच्छा। फिर वो मेरे को स्टडीज के लिए हैदराबाद, बैंगलोर, फिर मेरे को पुणे में भी हेल्प किया, सपोर्ट कर रहा और सेटल भी कराया। वेरी नाइस। फिर उधर से हम दोनों मिले पुणे में एक दिन अचानक, उनकी मॉम आई थी और ए भी आया था। एक्चुअली हम एक फैमिली कजिन शादी के में आए थे, तो मेरे को पुणे बहुत अच्छा लगा। मेरे को पता है कि यार मेरे को 12th पास नहीं होना। अच्छा, आपको पता था आप पास नहीं करोगे? 11th तक मैं टॉपर था और 12th में IIT के प्रिपरेशन में वो होता था, तो मैंने सोचा मेरे को जाना नहीं इसमें। तो फिर मैंने जानबूझ के एग्जाम फेल कर दिया और मैंने बोला कि घर वालों को कि पुणे में मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, मैं 4 महीने के लिए जा रहा हूँ। 11th में कितने मार्क्स थे आपके? 98%। तो क्या IIT का तैयार करते करते आपको लगा रहे तो बहुत ज्यादा है, मैंने, मेरे को नहीं करना है, क्या हुआ ये? नहीं सर, मुझे इसमें मजा आ रहा था और मुझे पता है यार कि मैं इसके लिए बना। नहीं, बट जितना भी मजा आए एक लाइफ में, एजुकेशन कंप्लीट करनी तो जरूरी होती है ना, बेसिक एजुकेशन। कॉलेज आप फिर भी समझ सकते हो, बट 12वीं पास नहीं करना तो थोड़ा मेरे को लग रहा है थोड़ा इरेटिसिज्म, पागलपन, थोड़ा वियर्डनेस लग रही है मुझे इस सिचुएशन में। बिजनेस आपने पहले ही शुरू कर दिया था क्या स्कूल में ही? 11th के समर में सर, जैसे मैंने YouTube पे सर्च किया हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस, तो तब मैंने एक देखा, चलो मैंने साइड बाय साइड कर लेते हैं। पर आगे जैसे बढ़ा, फिर मैंने बिजनेस को, ई-कॉमर्स ब्रांड को मैंने स्केल किया था। और फिर मेरा जो पार्टनर था, तो एक आने के बाद उसने मेरे को स्कैम हो गया था मेरे साथ। स्कैम हो गया सर? एक्चुअली हमने जो बिजनेस बनाया था तो उसको हमने 6 मंथ्स में हमने उसको $1 million तक लेके गए थे। वेल डन। क्या स्कैम क्या हो गया इसमें? अंडर एज था तो मेरे पास बैंक अकाउंट था, लेकिन वो मॉम का था और इंडिया में टैक्सेस बहुत है, ट्रांजेक्शन फी वगैरह। बंदा था US का, तो मैंने सब उसके अकाउंट के अंदर ही मैंने डाला। पर मैंने कनेक्शंस बहुत अच्छे हो गए थे, फिर से मैंने स्टार्ट किया और तब मैं मंथली एक सैलरी भी लेना स्टार्ट किया मैंने। फिर से भाई मैंने गलती की, ट्रस्ट किया एंड फिर से मेरे साथ वही स्कैम हुआ था। यार एक बार सीख, गलती करने के बाद दूसरी बार तो इंसान सीख जाता है। अरे 18 साल का था वो। फिर मैंने सर्विस बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसको भी ड्रॉप शिपिंग करना है, वेबसाइट लगता है, ईमेल मार्केटिंग लगता है, SMS मार्केटिंग लगता है, एंड ऑल्सो द शिपिंग थिंग, जो चाइना से US एक्चुअली 30 डेज लगता था शिपिंग, तो उसको मैं तोड़ के 7 डेज में मैं लेके आया था। तो उसमें मैं स्टेबल था, तो वो करीबन मैंने 2 साल किया। उसके बाद वो बहुत कॉम्पिटेटिव हो गया था, तो मैंने जो फुलफिलमेंट वाला पार्ट है वो हरका दिया और सर्विस का मेरा अभी भी चल रहा है सर। और ये घर का बिजनेस जरा समझाइए, ये कब शुरू किया आपने?
और क्यों? मेरे एक फ्रेंड थी नेबर जिसने मेरे को सोप्स वगैरह गिफ्ट दिया था, क्वालिटी जो उसने दी थी हमारे को उधर से हम लोग इम्प्रेस हो गए थे, फिर लगा कि इसका तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो उधर से स्टार्ट हुआ हमारा घर सोप्स। एक दिन में वेबसाइट बना दी, दूसरे दिन हमने लॉन्च कर दिया। तो कुछ रिसर्च किया होगा ना प्रोडक्ट, ऐसे थोड़ी कि वेबसाइट बना के बेचना चालू कर दिया। फैक्ट्री प्रोडक्शन बहुत कुछ फिगर आउट करना पड़ता है। नहीं, पहले वेबसाइट ली, पिक्चर्स लिए और हमने एड्स रन कर लिया। तो उनका इन्वेंटरी लेके आपने वेबसाइट स्टार्ट कर दी। ये धंधा कितना बड़ा हो गया आज पर मंथ? एज ऑफ दिस मंथ वी आर क्रॉसिंग 1 crore एंड 1 crore पर मंथ। या इस मंथ वाओ। Last month was around 80 lakhs. Achha. And first quarter we have done 1.5 crore. तो इसीलिए इतने confidence के साथ बात कर रहे हैं, अब समझ में आया। Profit है yes. 12 crore business में? Yes, it's a profitable. तो 1 crore में कितना बचेगा आपके पास? 15 lakh profit बच जाएगा आपके yes. पास? 1 crore में marketing कितना होगा? 25% मतलब 25 lakh पकड़ो। कहाँ करते हो मार्केटिंग में खर्चा? 70% परफॉर्मेंस मार्केटिंग और 30% इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपका इक्विटी स्प्लिट क्या है दोनों का? 50-50। दिखाओ थोड़े प्रोडक्ट्स, दिखा दो हमारे को अगर दिखा सकते। वाओ, स्मेल्स गुड। ये आइस रोलर है। दिस इज द कॉफी आइस रोलर। कैन अप्लाई इट ऑन योर फेस। ब्रांड में जो सिंप्लिसिटी है ना, मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लाइफ है ना, वो बहुत अच्छी चीज है और प्रोडक्ट भी अच्छा है तेरा। अच्छा, मैंने डिसीजन बना लिया है। आपकी स्टोरी इज वेरी हार्ट टचिंग और 12 crore का बिजनेस बनाना इज नॉट अ जोक। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि सीजन 1 में मैंने एक स्किन प्रोडक्ट्स के कंपनी में सोलो इन्वेस्टर हूँ, तो क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, I am out, but I wish you the very best. Product के ऊपर थोड़ा depth दोनों, मेरे को अभी तक मिल ही नहीं रहा कि आपने product बनाने में क्या research करी है, कैसे बनाए? हमें science तो नहीं पता कि कैसे बनता है, पर मेरे को पता क्या चाहिए। Market में जितने भी हैं, we used to order everything USA, India से, and we used to find gaps यार, किसमें क्या हम डाल सकते हैं। And manufacturers को बहुत months लगते हैं वो बनाने में, वो भेजते थे samples, we used to हर बार reject ही होता है हमारा। बार बार अप्रूवल्स के बाद हम फाइनल प्रोडक्ट निकालते थे। पर अमित का सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। आपको पता ही कैसे चलता है कि गैप है? जो अभी फर्स्ट हम देखते हैं कि यूएस में जो बड़े इंस्पिरेशन ब्रांड्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स हम ऑर्डर करते हैं एंड देन वी सी व्हाट्स हैपनिंग देयर। एक क्वेश्चन पूछूं, वो लड़की जिसने आपको प्रेजेंट दिया साबुन का, वो अभी भी इन्वॉल्वड है? वो आपको आइडियाज दे रही है? वही मैन्युफैक्चरर। वो मैन्युफैक्चरर है, लेकिन अच्छा रिलेशन है, बॉन्ड है। अब बात समझ में आई मुझे थोड़ी। मेरे को मजा आया, आप सड़कों से मिलके आप 21 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटर बन गए, बहुत रेयर स्किल है ये, तो मेरे को बहुत पसंद आया। जो कंपनी आप पिच कर रहे हो, ये एक प्रोडक्ट कंपनी पिच कर रहे हो, घर, जो कि मेरे को ना अभी तक समझ नहीं आया कि अपने प्रोडक्ट में डेप्थ है ना। मैं कोई साइंस सुन पा रहा, ना कोई मैं डॉक्टर सुन पा रहा, ना मैं कोई आयुर्वेदा का कोई रियल डेप्थ ले पा रहा। पर इस टाइम मैं बाहर होना चाहूँगा, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई नो आप कुछ बड़ा करने वाले। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं आपके बिजनेस पे। हस। आपके खुद के वेबसाइट पर कितना सेल्स हो रहा है? 1 crore? 70%। ये क्या टोटका निकाला है भाई? बहुत सही है, वेरी गुड यार, अपनी वेबसाइट्स हो रहा है। ये सुपर डिजिटल मार्केटर हैं, तो समझ क्यों? एक्चुअली हम अमेज़न पे बहुत लेट उतरे सर। कब उतरे? 6 months। फ्लिपकार्ट में कब उतरे? अभी, तभी। अच्छा, अभी स्टार्ट किया? अभी स्टार्ट किया सर। नॉट ऑन नायका? नायका अभी तक हुआ नहीं। नायका अभी तक अप्रूवल नहीं है। अप्रूवल हो गया है, पीओ वगैरह ऑर्डर आना बाकी है। जो आज का 30% है मार्केट प्लेसेस से, नायका से डबल हो जाएगा। बट ये वाला बिजनेस में प्रॉफिट बनाना ना, नॉर्मली आप किसी भी ब्रांड से पूछो है सर, सबको ना बर्न अच्छा लगता है कि मेरा इतना बर्न हो रहा है। आप इसमें प्रॉफिट कैसे बना पा रहे हो? इट इज एस्टोनिशिंग। अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सेसरी को पकड़ रहे हैं, उसको स्केल कर रहे हैं, उसके साथ इसको एड ऑन कर रहे हैं। एक्सेसरी में हमारा मार्जिन ज्यादा रहता है। एक्सेसरी क्या, कौन सी? जैसे आइस रोलर, और अभी जो हमने इनोवेट किया, जो ए आई पैच है, ये जो आपका रीयूजेबल, हाँ सर, इंडिया में किधर भी नहीं है सर। मेरे को ये जानना है, आप बनाना क्या चाहते हैं, विजन क्या है? अभी हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी ला रहे हैं सर, एक फेस रिकॉग्निशन ऐप जिसमें आपकी स्किन को डिटेक्ट करेगा, जहाँ जहाँ पे भी एक्नी है, जहाँ जहाँ पे भी आपका है, और उसका वो कॉम्बो बनाएगा। तो ऐसे ऐप्स ऑलरेडी है,
जैसे कि क्योर स्किन है सर, अभी जो क्योर स्किन है सर वो उसने नॉर्थ को कवर ही नहीं किया, उसके एड्स अगर आप देखोगे तो सिर्फ साउथ में चलते थे। अच्छा अच्छा, इतना जुगाड़ कैसे कर लेते हो भाई? पूरा दिन वही काम है इसका। और तुम्हारा क्या काम है? इनका काम है सपोर्ट करना, सब अकाउंटिंग सपोर्टिंग ऑपरेशनल्स वगैरह सब। एक्चुअली क्या है ना सर, अभी प्लानिंग तो हो गया लेकिन उसको जो जैसे सबसे बड़ा होता है सप्लाई चेन हैंडल करना, तो आई कैन डू स्ट्रेटजी पर लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट इनके बिना से होता है। इट्स गुड दैट यू अप्रिशिएट ईच अदर्स वर्क। एक निजी सवाल पूछूं, आप स्टेप ब्रदर्स हो, इतने अरसे के बाद मिले, डिड यू लाइक ईच अदर इंस्टेंटली कि काफी मतलब अनबनी हुई पहले? आज दिन तक हम दोनों का कभी झगड़ा नहीं हुआ। क्या पसंद है आपको एक दूसरे के बारे में? ये चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, और आपको क्या पसंद है इनके बारे में? इसको बोलना चाहिए कि ये चालू करना है, इसको आसमान तक पहुंचा देगा। ओ वाह, अरे वाह, छोड़ता नहीं। मुझे जो पसंद आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप बहुत बड़े हसलर हो। 12 करोड़ का बिजनेस बनाना डिजिटल पे इज नॉट इजी, पर अभी ये इन्वेस्टेबल बिजनेस बनाने के लिए इसको इसमें काम करना पड़ेगा, एक पर्पस डिफाइन करने में, एक विजन डिफाइन करने में कि हमें बनाना क्या है। शायद वो एक्ने का बनाएंगे हम कोई भी फोकस लेके या कोई भी एक प्रोडक्ट लेके, तो वो गैप लग रहा है। पर मेरा ऑफर है आपको 60 लाख और 10% इक्विटी। मैं भी आपको यही ऑफर देता हूँ। वी कैन गो टुगेदर। या तो हम दोनों आ जाते हैं, चलो 30-30 लाख देते हैं, 5% ईच। वैल्यूएशन वगैरह छोड़िए, हम वो डायरेक्शन में ही नहीं जाना चाहते क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि आप ब्रांड पे, अगर जैसा इन्होंने पूछा था प्रोडक्ट पे फोकस करते हो, मैं कहता हूँ दोनों पे फोकस करेंगे। यू नॉट ओनली अ प्रोडक्ट कंपनी, यू ऑल्सो हैव टू बिकम अ ब्रांड। मैं आपको इंडिविजुअल ऑफर देता हूँ। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में अभी आए हो और वहां का तो राजा मैं हूं। सेम ऑफर 60 लाख 10%। ये अमेजॉन राजा वाजा की बातें छोड़ो, ये खुद की बड़ाइयों की बात है। आपको ये भी देख लेना, आपको हेल्प ज्यादा अमेज़न पे चाहिए या हेल्प ज्यादा टेक में चाहिए? क्योर स्किन वगैरह टाइप की टेक्नोलॉजीज बनानी है तो आई कैन हेल्प यू अलॉट, मैंने पूरी तरह समझा हुआ है वो, और हमारा बिजनेस ही टेक्नोलॉजी का। बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो चुकी हैं जो ये कर रहे होंगे। तो ये क्या कह रहे हैं अभी इनको भी नहीं पता, लेकिन आप सोच के वापस आइए, खाली काउंटर करने के लिए कुछ बोल। हाँ भाई साहब, कोई पता है हर चीज? हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो नादान बंदे हैं। वो तो खुद ही एडमिट कर लिया तुमने, नादान पंछी हैं। सर कोई पता है हर चीज? हम थोड़ी कुछ पता है। बिल्कुल बकवास करोगे तो यही रियलाइज होगा। मैं क्रॉस फायर में फंसा हूँ यहाँ पर। चलिए आप सोच के आइए। बढ़ा दिया आपने आपका आस्क। 60 लाख मांगा था ना पहले सर, बट इक्विटी भी बढ़ाई। तो यार तुमने क्या क्या समझते हैं थोड़ा। तो आपको परसेंटेज से फर्क पड़ता है, वैल्यूएशन से फर्क पड़ता है या अमाउंट से फर्क पड़ता है? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन 20 करोड़ इज द मैक्सिमम यू कैन गो। आपका काउंटर थोड़ा सा ज्यादा ही काउंटर है। हां सर, वैल्यूएशन कम की सर, 10 करोड़ कम क्या है? नहीं यार, तू 15 करोड़ का बिजनेस कर रहा है ना? 12 करोड़, 12 करोड़। और कितना करेगा अगले साल? इस साल एंड तक विल डू 12 से 15, और अगर आप लोग आ जाए तो शायद उससे ज्यादा। ठीक है, तो मेरे को तो लगता है फेयर है, वन टाइम वैल्यूएशन इज नॉट बैड, आई कैन गिव यू 15 करोड़ वैल्यूएशन। आपको दोनों तरह से सेम ऑफर आ चुका है। अगर आप यहाँ से सोचने के लिए बाहर गए तो मेरा ऑफर आउट। आपके ऊपर। शख्स डील पक्की है अमन साहब। गुड लक गाइस।
Good job, man. Let's build it up. Skincare ka gunda.